हाय गाइस, मैं ना कुछ दिनों से ये फ़ोन टेस्ट कर रहा था और टेस्ट करने के बाद ना मैंने फील किया कि यार सीरियसली ये फोन ऑलमोस्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। पहले बता दो परफेक्ट क्यों बोल दिया मैंने। देखो, किसी भी फोन को अच्छा या फिर परफेक्ट बोलने के लिए परफेक्ट प्राइस चाहिए होता है। इसका है परफेक्ट प्राइस। इस फोन की अगर चाइनीज प्राइस को मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूँ ना तो 55,000 रुपीज आ रही है। और जिस तरीके की स्पेसिफिकेशन है इस फोन की, जैसे फीचर्स है, वो भी इतने छोटे साइज में, मेरे हिसाब से भाई इसको परफेक्ट फोन की कैटेगरी में मैं पर्सनली डाल सकता हूँ। बट सबसे सैड पार्ट ये है कि वीवो इस फोन को इंडिया में लॉन्च ही नहीं कर रहा यार। और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो ना, आपको पता होगा कि यार मुझे मिनी साइज वाले फोन कितने अच्छे लगते हैं। एक बार ना इस फोन को दिखाता हूँ मैं बॉक्स ओपन करके आपको। देखो, बॉक्स ओपन करते ही ना यहाँ पर फोन रखा हुआ है और आप कलर देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है खैर, बट जो कैमरा मॉड्यूल वाला एरिया है और जो पूरा फ्रेम वाला एरिया है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। नीट डिजाइन आई थिंक। और फ्लैगशिप होने के बाद भी ना यहाँ पर बॉक्स में जो है कवर इंक्लूडेड है, डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली रहती है, टाइप ए टू सी केबल है, यहाँ पर सिम इजेक्टर है और साथ में 90 वॉट की चार्जिंग ब्रिक भी दी है। देखो, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत छोटा सा फोन है ये और इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में काफी चीजें पैक कर रखी है। इसी चीज को एनालाइज करेंगे कॉम्पिटिशन को रेफरेंस रखते हुए, मतलब की जो बाकी छोटे फोन है उसके साथ इसको जो है थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको समझ में आए एग्जैक्टली मैंने तारीफ क्यों करी है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, इस फोन का ओवरव्यू देता हूं, बट उससे पहले एक चीज मैंने नोटिस करी है, इस साल के जितने भी महंगे फोन है ना गाइस, मैं देख रहा हूं धीरे धीरे ना आईफोन की डिजाइन लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं और ये फोन भी सेम है, बिल्कुल फ्लैट डिजाइन है इसका। यहाँ पर जो है फ्रेम भी जो है बॉक्सी कर दिया आईफोन की तरह बिल्कुल, और फोन के जो एजेस है वो सॉफ्ट कर दिए, जैसे कि आईफोन की फीलिंग होती है ना होल्ड करने में, सेम आ रही है थोड़ी। बट इसका मतलब ये भी होता है कि फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम भी है। वैसे मैं बता दूं, मैट फिनिश है इसकी और एल्यूमिनियम का पूरा फ्रेम है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि बहुत स्लिपरी होगा फोन, बट स्लिपरी नहीं है, काफी कंफर्टेबल है। और जैसे कि वीवो के फोन्स में होता है ना, बहुत बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल रहता है, वो इस फोन में भी है और डायमंड कट यहाँ पर रिंग मिल जाती है कैमरे के अराउंड। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ जहां पर मैं इस X200 Pro Mini की इंजीनियरिंग की तारीफ करूंगा। ध्यान से सुनना, ये फोन जो है 8.15 mm थिक है और इस फोन का वेट जो है 187 ग्राम है। और इस वेट और थिकनेस को अगर मैं पिछले साल वाले वीवो X100 Pro से कंपेयर करूं, तो ये जो मिनी वाला वेरिएंट है लाइटर तो ऑब्वियसली है, ऊपर से पतला भी है। बट ये चीज इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि ये जो मिनी फोन है 5700 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, जो कि ये लास्ट ईयर का X100 Pro है ना, ये 5400 mAh बैटरी के साथ आता है। तो फोन को स्लिम करना, वो भी इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में इतनी बड़ी बैटरी डाल देना, मेरे हिसाब से बहुत कमाल की इंजीनियरिंग है। एक और पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, वीवो का एक फोल्डिंग फोन है वीवो X Fold 3 Pro, उस फोल्डिंग फोन में भी सेम ही बैटरी है 5700 mAh की। मतलब इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में 5700 mAh बैटरी होना ना छोटा पॉइंट नहीं है। मतलब कि अगर आप बाकी इस सिमिलर फॉर्म फैक्टर वाले फोन्स को देखोगे, जैसे कि Samsung Galaxy S24, iPhone 16 Pro भी सिमिलर साइज रहता है, Pixel 9 Pro भी जो है इतने साइज में आता है, इनफैक्ट Xiaomi 14 को भी इंक्लूड कर लो, किसी भी फोन में 5700 mAh बैटरी नहीं है, इस फोन में मिलती है। बाकी 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग या फिर 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, गुड चार्जिंग स्टैंडर्ड्स है। एक और यूनिक चीज बताऊं तो इसमें IP68+69 रेटिंग मिलती है। आई एम श्योर 68+69 सुन के आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब ये है कि फोन पानी में डूब सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट हाई प्रेशर वाटर अगर इसके ऊपर गिरता है तब भी ये हैंडल कर जाएगा। बस एक चीज हाईलाइट करूंगा, अगर मैं इसमें कमी निकालने जाऊँ ना, मुझे दो शिकायत है। एक, इस फोन में जो टाइप सी पोर्ट है ना, वो USB 2.0 के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। दूसरा, इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, अगर अल्ट्रासोनिक होता तो बेटर रहता। और ये दोनों कमियां मैं Samsung Galaxy S24 के कंपैरिजन में कर रहा हूं। अच्छा, इस फोन की डिस्प्ले देखना एक बार, बेजल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है ना। वैसे इस फोन में जो है ना 6.31 inches की डिस्प्ले है और 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ आती है। बाकी AMOLED पैनल, 120Hz का रिफ्रेश रेट, LTPO डिस्प्ले, ये सब कुछ है इस फोन में। बट यूनिक चीज ये है कि ये वर्ल्ड का पहला फोन है जो ZEISS मास्टर कलर सर्टिफिकेट के साथ आता है। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी कंटेंट चलाते हैं इस फोन की डिस्प्ले में तो वो ट्रू टू लाइफ कलर्स रहेंगे। ऑब्वियसली इस चीज को बेटर तरीके से समझने के लिए मैंने जो है वीवो X100 Pro से कंपेयर किया, सेम वीडियो चलाई है, HDR कोस्टरी का नाम से एक वीडियो होती है। आई थिंक सच में कलर्स जो है ज्यादा एक्यूरेट हुए हैं, बट सेम टाइम पे मुझे एक वार्मर टोन भी दिख रही थी मिनी वाले फोन में। और ब्राइटनेस की भी बात करूं तो 4500 nits की पीक ब्राइटनेस है, आई थिंक ये अच्छा ही नंबर है यार। मतलब फ्लैगशिप फोन्स में अब जो है बड़े बड़े nits वाले नंबर प्रॉमिस हो रहे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो फैंटास्टिक डिस्प्ले है। बट एक फनी चीज बताता हूँ, अब यहाँ पर जो पंच होल कैमरा इसके अंदर मिलता है ना, पता है वीवो ने इसका नाम क्या रखा है?
एटॉमिक आइलैंड। फिर से आईफोन का जो डायनेमिक आइलैंड है उससे एकदम सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक, चार्जिंग, नोटिफिकेशन सब दिखता है यहाँ पर आईफोन की तरह। खैर डायनेमिक आइलैंड का कॉपी होना मैं फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा हूँ, बहुत सारे चाइनीज फोन में ये होती है प्रैक्टिस, बट चलो कॉपी वाली बात साइड में रखते हैं। एक नई चीज इस फोन में जो इंट्रोड्यूस हुई है वो इसका प्रोसेसर। देखो इस फोन में मीराटेक डायमेंसिटी 9400 मिलता है। देखो जब भी मैंने छोटे फोन रिव्यू किया है ना, एक ही प्रॉब्लम है सारे फोन में कि हीट ढंग से मैनेज नहीं हो पाती, और यहीं पे ये फोन जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले जाता है, क्योंकि सच में इसमें हीटिंग बहुत सही तरीके से मैनेज हो रही है। हीटिंग के बारे में और बात करूंगा, बट पहले ना इस फोन के बेंचमार्क स्कोर्स देखो। और जब मैंने एंटूटू पे इस फोन के 26 लाख स्कोर्स देखे ना, वहीं से मेरे माइंड में जो है ना इसको परफेक्ट का टैग देने का मन किया था। इनफैक्ट गीकबेंच के 8500 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर होना फिर से फैंटास्टिक बात है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये लास्ट ईयर वाले प्रोसेसर से तो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड स्कोर्स है, बट आपने रिसेंटली देखा होगा कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर भी आया है, ये उसको टक्कर दे रहा है भाई, तो फिर से ये बहुत बड़ी बात बनती है। और हीटिंग की फिर से बात करूं तो जो लास्ट ईयर वाला X100 Pro था ना, इसमें थोड़े बहुत इश्यूज थे लोगों को कि ये हीट कर जाता है, तो इसी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए ना मैंने X100 Pro और X200 Pro Mini दोनों के अंदर CPU थ्रॉटलिंग रन करा, और यहाँ पर जो थ्रॉटलिंग परसेंटेज है ना वो रफली सेम आया है, बट जिप स्कोर्स X200 Pro Mini के ज्यादा है। और ये सेम ट्रेंड मैंने जो है 3D Mark में भी नोटिस किया है, लूप स्कोर्स फिर से जो है X200 Pro Mini के ज्यादा है और FPS भी ज्यादा है। और ये एग्जैक्ट सेम चीज मैं सोलर बे टेस्ट के बारे में भी बोल सकता हूँ। और वैसे नॉर्मल गेम्स की भी बात करूं तो BGMI में ये X200 Pro Mini 90 FPS की सेटिंग ला रहा है। इनफैक्ट COD में देखो 120 FPS की सेटिंग्स है, और जब मैंने इसमें जेंशन इंपैक्ट खेला मैक्स सेटिंग पे, अराउंड 30 मिनट की गेम प्ले में ना जितने नॉर्मल फोन हीट करते हैं ना उतना ही हीट ये फोन कर रहा था, तो लाइक एक छोटे फोन के हिसाब से देखो ये चीज एक्चुअली में इंप्रेसिव बोली जाएगी। देखो ये सब देखने के बाद मेरे मन में तो एक ही चीज आई है कि अगर इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 इतना सही परफॉर्म कर रहा है, तो जब वीवो X200 Pro आएगा जिसका साइज भी थोड़ा बड़ा ही होगा इससे, वो कैसा परफॉर्म करेगा? वो फोन तो इंडिया में आ रहा है। खैर उस फोन की वीडियो में 100% लेकर आऊंगा, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। बाकी इस फोन की सॉफ्टवेयर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि चाइनीज वेरिएंट है ना, तो इसके अंदर ओरिजिन OS आती है, और शॉर्ट तरीके से बताऊं तो ओरिजिन OS बहुत स्मूथ काम कर रही है इसके अंदर। बट फन पार्ट पता है क्या है? मैंने अभी तक जितनी भी बातें बताई है ना, वो इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पार्ट है ही नहीं। अगर आपको पता है भाई, वीवो ने जब से ZEISS के साथ मिलके कैमरास बनाने शुरू किए ना, ये सच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस फोन के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है। देखो इस फोन में ना 50+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट कैमरा सेटअप की ना एक कंट्रोवर्सी चल रही है वीवो की। क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर जब वीवो की X सीरीज आई थी तो 1 inch कैमरा सेंसर यूज करे थे, बट अब ये लेटेस्ट X200 सीरीज में ना 1 inch कैमरा सेंसर नहीं है, उससे छोटा सेंसर इन्होंने यूज करा है। जब ये कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो वीवो की तरफ से एक रिप्लाई आया, केशव चुग ने रिप्लाई किया। वीवो का ऐसा कहना है कि ये जो नया सेंसर यूज किया है ना, ये ज्यादा एफिशिएंट है, इस नए सेंसर में नॉइज भी कम आती है, और डायनेमिक रेंज जो है अप टू 400% बेटर बता रहे हैं। फैक्ट एक और रीजन है कि इस बार एफ नंबर को भी बढ़ाया गया है, तो और बेटर तरीके से लाइट आ सकती है सेंसर पे। ये तो वीवो का रिप्लाई था, मुझे लगा कि यार प्रैक्टिकल टेस्टिंग करते हैं कि सच में क्या डिफरेंस है, तो मैंने वीवो X200 Pro Mini और पुराने वाले वीवो X100 Pro से कंपेयर किया। अब फोटोज देखने के बाद मैं स्ट्रेट बोल सकता हूँ कि भाई कलर एक्यूरेसी तो बहुत इंप्रूव हुई है नए वाले फोन में। फॉर एग्जांपल आप रोड की तरफ देख सकते हो या फिर ट्रीज की तरफ देख सकते हो, ज्यादा एक्यूरेट कलर है X200 Pro Mini में। देखो पुराने वाले X100 Pro की आदत थी कि वो ब्लू या फिर ग्रीन को ना थोड़ा सा सैचुरेट करता था, बट जैसे कि आप इन फोटोज में देख रहे हो, नए वाले फोन में चीजें फिक्स हुई है। चलो तो डे लाइट की बात थी, अगर मैं लो लाइट की भी बात करूं, आप व्हाइट लोगों की तरफ देखो, जो नया वाला फोन है उसमें कम हेलो इफेक्ट लेकर आ रहा है। या फिर इस फोटो में ना रोड की तरफ देखो, पुराने वाले X100 ने थोड़ी ग्रीनिश टोन ला रखी है, और हाइलाइट्स का कलर भी ठीक नहीं है, बट X200 Pro Mini में बेटर है। और ऐसी बहुत सारी फोटोज है जिसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि X200 Pro Mini के अंदर एक्चुअली में इंप्रूवमेंट्स है। बट बहुत सारे यूजर्स ना इन नए वाले X200 सीरीज के अंदर एक प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम फोटोज खींचते हैं ना एक सर्टेन एंगल पे, तो लाइट से जो फ्लेयर आ जाती है, और ये बात सच भी है, क्योंकि ये सेम चीज मैंने भी नोटिस करी अपने फोन में। खैर वीवो ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करा है और फिक्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं मल्टीपल तरीकों से, बट मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। देखो 1 inch कैमरा सेंसर का ना फायदा तो था, क्योंकि जो X100 सीरीज थी ना उसमें बेटर डिटेल आ
आती है लो लाइट में, अगर हम X200 सीरीज से कंपेयर करें तो। बट चलो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज को साइड में रखते हैं, वैसे इन जनरल मैं बात करूं कि वीवो X200 प्रो मिनी कैसी फोटोज खींचता है तो आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि शार्पनेस, HDR इन सब में ना मेरे को कंप्लेंट नहीं मिली कोई। और पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो यार एज डिटेक्शन तो बहुत ही कमाल की है, और जो बैकग्राउंड ब्लर मतलब जो बोके रहता है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की तो मिलते ही है, जैसे कि सारे वीवो फोन्स में होते हैं। जूमिंग की भी बात करूं तो 10x पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आता है ये, और जस्ट ऐसे ही टेस्टिंग के लिए तो मैंने मून शॉट्स भी कैप्चर करे हैं, बहुत अच्छा है। पर इन्हीं सब चीजों के साथ यार अल्ट्रा वाइड लेंस की भी सेम स्टोरी है, बहुत कंसिस्टेंट वर्क करता है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का है, और आप सेल्फीज देखो काफी शार्प है यार, और सेल्फी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्किन टोन होती है, वो भी ठीक से प्रोसेस कर रहा है। और एक प्लस पॉइंट बताऊं इस फोन का कि ये 4K 120fps पे शूट कर सकता है, बट सेम टाइम पे एक नेगेटिव चीज ये है कि अगर पोर्ट्रेट वीडियो में शूट करूं तो वो 1080p से ऊपर नहीं हो सकती, बाकी फ्रंट से भी जो है 4K शूट हो सकता है। तो अब सारी चीजों को सम अप करके देखा जाए ना, आपको खुद फील हुआ होगा कि यार ये फोन जो है ऑलमोस्ट नो कॉम्प्रोमाइजेस लेकर आ रहा है सारे डिपार्टमेंट में। मतलब इस तरीके से सोचो ना, किसी भी छोटे फोन में क्या कमी होती है, कि वो हीटिंग इश्यूज लेकर आता है वो नहीं है, या फिर बैटरी का साइज बहुत छोटा रहता है वो भी नहीं है। और आज के टाइम पे कोई भी फोन प्रीमियम तब बोला जाता है जब उसका कैमरा फैंटास्टिक हो, जो कि इस फोन का है। पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था यार, प्राइस भी राइट होना चाहिए, मतलब 55,000 इसका प्राइस है जो कि चाइना में है। खैर आई विश ये फोन इंडिया में आता, क्योंकि सच में बहुत ही राइट साइज का भी फोन है, ऊपर से फीचर्स भी बहुत सारे लेकर आता है। खैर इस फोन को टेस्ट करने के बाद मैं एक्साइटेड हूं जब इंडिया में X200 प्रो आएगा वो कैसा रहता है, करेंगे भाई उसको भी अनबॉक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे। इतने आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।